नमस्ते, लेटेस्ट गूगल कैमरा 9.0 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर जीकैम 9.0 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है। कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, इससे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल कैमरा 9.0 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हमने जीकैम एजीसी 9.0 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, बिग काका करके डेवलपर की तरफ से ये जो कैमरा एप्लीकेशन का जो बिल्ड है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले इस अपडेट के साथ जो है मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, एंड बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। आपको अलग से जो है मल्टीपल लेंस को एनेबल नहीं करना होगा। तो यहाँ से आप जो है अल्ट्रावाइड मैक्रो लेंस एंड टेलीफोटो लेंस एंड मेन लेंस को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर सेटिंग्स मेनू में जाके जो है लेंस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। जीकैम 9.0 के साथ डेवलपर सेटिंग्स के साथ किस तरह से नए नए फीचर्स को एनेबल करते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाय द वे, ये जो जीकैम 9.0 का जो बिल्ड है उसको एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ काम कर जाएगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। मीडियाटेक एंड एक्सिनोस डिवाइस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल डिवाइस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करके देखो। इसके अलावा हमने रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 11, रेडमी नोट 7, एमआई 2, पोको F1, पोको X3 ऐसे भी डिवाइस के ऊपर इस गूगल कैमरा 9.0 का जो बिल्ड है इसे ट्राई करके देखा है। बाय द वे, ये जो जीकैम का जो बिल्ड है तो रियलमी, पोको, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग, मोटोरोला एंड ऐसे भी डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। वीडियो की अगर बात करें पर वीडियो के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो पर ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है देख सकते हो। ये जो इशू है डेफिनेटली होपफुली नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर फिक्स हो जाएगा। बाकी जीकैम 9.0 के साथ कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। देख सकते हो 100 मोड को ऐड किया गया है। यहाँ पर ये जो आइकॉन है इसमें टैप करके जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को जो है ओपन कर पाओगे। बाय द वे, स्वाइप डाउन करने से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल ओपन नहीं होगा, स्वाइप अप करने से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड, रॉ फोटो का ऑप्शन है, टाइमर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फ्लैश का ऑप्शन है, यहाँ पर कैमरा एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है नाइट साइड मोड भी काम कर जाएगा। बाय द वे, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये जो ऑप्शन इस ऑप्शन के साथ आप जो है कस्टम वाटरमार्क यूज कर सकते हो। पर लाइका सिनेमेटिक मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी लाइका मोड काम कर जाएगा। ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस जीकैम 9.0 के साथ जो आप XML फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ रॉ फोटो, मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, यहाँ पर नियर फार इन्फिनिटी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पैनोरामा का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वर्टिकल फोटो क्लिक कर सकते हो। फोटो एस्पर मोड को ऐड किया गया है। 360 फोटो क्लिक करने के लिए वर्टिकल, वाइड एंगल एंड हॉरिजॉन्टल फोटो क्लिक करने के लिए आप जो फोटो एस्पर मोड को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर स्टैबलेशन के अलग से टैब देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्टैबलेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 4K एंड फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। टाइम लैप्स मोड जो है काम कर रहा है, ऑटो, 5x, 10x, 30x, 120x का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। प्लस 4K टाइम लैप्स वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। नाउ यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस के ऊपर अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो यूजर इंटरफेस है उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर पिक्सल 8 प्रो, पिक्सल 8, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है।
तो यहाँ से हम जो है सिंपली पिक्सल 7 प्रो को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस से हमने जो है पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट किया है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। जीकैम को रीस्टार्ट करने के बाद जो है पिक्सल 7 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है जो है इनेबल हो जाएगा। प्लस लेंस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव लोकेशन, कैमरा साउंड, गूगल लेंस सजेशन का ऑप्शन है, सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डायरेक्टली जीकैम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो, यहाँ पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, वॉल्यूम बटन को आप एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, टाइमर लाइट का ऑप्शन है, HDR नेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, फोकस ट्रैकिंग डिले आफ्टर फोकस, टॉप शॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है OIS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से यहाँ पर जो है GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जो है व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन है, इसके साथ जो आप कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, एक्सपोजर के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, सेव सेल्फी सेस प्रीव्यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मिरर फोटोज का ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर वीडियो स्टेबिलेशन, ऑडियो जूम का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। इस गूगल कैमरे के साथ हमने कुछ फोटो को क्लिक किया है, तो यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा, फोटो के ऊपर ओवरऑल जो क्वालिटी है काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, एंड फोकस जो है काफी बढ़िया है, पर फोकस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस जो ब्लर देखने को मिलेगा काफी बढ़िया ब्लर देखने को मिल जाएगा, DSLR जैसा यहाँ पर जो ब्लर देखने को मिलेगा इस गूगल कैमरे के साथ जिस हमने नोटिस किया है, एंड फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, इवन जूम करने के बाद भी जो डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी बढ़िया है, इवन शेडो हाईलाइट कलर के साथ भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लाइका सिनेमेटिक फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा, क्लोज टू एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली आप जो है वाइब्रेंट कलर के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर शेडो हाईलाइट एंड कलर के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, एंड यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर डिटेल्स काफी बढ़िया है, यहाँ पर नॉइज को भी रिड्यूस किया गया है, काफी कम नॉइज देखने को मिलता है, मेन लेंस हो जाए, अल्ट्रावाइड लेंस हो जाए, इवन फ्रंट कैमरे के साथ भी नॉइज को काफी जो है रिमूव किया गया है, प्लस डायनेमिक रेंज भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है इस जीकैम के साथ, प्लस यहाँ पर सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ भी काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर इस ये जो जीकैम का जो बिल्ड है दोस्तों इस जीकैम के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ये जो बिल्ड है फिलहाल नया बिल्ड है, इसलिए कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है क्रैश भी कर सकते हैं, जिस सबको ध्यान में देना होगा, एंड यहाँ पर हमने जो है कोई भी ग्रीन टिन का जो इशू है नोटिस नहीं किया है, एंड काफी बढ़िया जो आप सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, सभी के साथ जो आपको बढ़िया क्वालिटी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा, नाइट साइड मोड भी काम कर जाएगा, एक्सलेंट फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर OIS EIS वीडियो स्टेबलेशन के साथ काम कर जाएगा। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। इस जीकैम के सामने जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है, सभी के साथ जो है बढ़िया बढ़िया आप जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो को क्लिक कर पाओगे, यहाँ पर फोटो में जूम करने के बाद भी जो डिटेल्स है काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, एंड बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो, एंड DSLR जैसा जो यहाँ पर ब्लर देखने को मिलता है इस जीकैम के साथ जिस हमने नोटिस किया है, ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, एंड कुछ इस तरह से जो जूम स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, 10x तक जूम का ऑप्शन है, बाय द वे एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 के साथ जो है मोनेंट UI का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, मेटल यू का जो सपोर्ट है एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पर जो
गैलरी का जो आइकॉन है जीकेएम 9.0 के साथ जो है अभी फिलहाल लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर कैमरों को स्विच करने का जो आइकॉन है यहाँ पर राइट साइड में ऐड किया गया है। जीकेएम एजीसी 9.0 का जो डाउनलोड लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरे को डाउनलोड कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग जीकेएम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।